हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज प्रोवाइडर में। दोस्तों, आज जो है हम लोग 12th के हिंदी व्याकरण में, ठीक है, हिंदी व्याकरण में कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। और ये वीडियो जो है 50 और 100 मार्क्स दोनों के लिए है, ठीक है। तो दोनों देखते रहिए, साइंस और आर्ट दोनों वाले। और एक चीज़ बताए थे, यहाँ पे जो है 4-5 नंबर का वर्ण से पूछता है, यहाँ पे 1 या 2 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 प्रकार हैं, कौन कौन? पता होगा, ह्रस्व और दीर्घ, यानी कि अपना आंसर क्या सही हो जाएगा, ख। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो जो स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें? संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर में क्या होता है? विजातीय है, ठीक है, अलग अलग शब्द से मिलकर बने होते हैं विजातीय स्वरों के, अक्ष, त्र और ज्ञ, लिरी वगैरह भी ये इसी में आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें देखिए, अब दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है? 2 मात्रा होता है। कितना मात्रा होता है? 2 मात्रा होता है, याद रखिए, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा, ठीक है। और इसको जो है कभी कभी 2 मात्रा वाले शब्दों को गुरु गुरु मात्रा का वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो मूल स्वर कौन सा हो गया? स्वर यानी कि ओ, आ, हर्षी, दीर्घी, ठीक है, ये सब क्या हो गया? मूल स्वर हो गया। और मूल स्वर कितने होते दोस्तों? 11। और मूल स्वर की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? संधि स्वर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दीर्घ स्वर के सही उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो दीर्घ स्वर के सही उदाहरण अभी मैंने बताया, जिसमें 2 की मात्रा हो, यानी कि दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, ठीक है, इसमें 2 मात्रा होती है। और अ, ह्रस्व ई, ऊ, ठीक है, ह्रस्व ऊ, ये सब हो गया 1 मात्रा का, और यहाँ आ, दीर्घ ई, ऊ हो गया 2 मात्रा का। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्णमाला कितने भागों में विभक्त है? हिंदी वर्णमाला कितने भागों में विभक्त है? तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया, स्वर तथा व्यंजन। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओम शब्द में कितने स्वर हैं? तो ओम शब्द में स्वर हैं, कौन सा स्वर है ओम? तो प्लुत स्वर है, ठीक है, जिसको गुरु मात्रा भी कहा जाता है। और इसमें जो है 3 मात्रा का शब्द होता है, ठीक है। तो ये जो है स्पेशल क्लासिफिकेशन है प्लुत स्वर, ठीक है, याद रखिएगा, ओम प्लुत स्वर है। VVI क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, आ स्वर मिलकर बना है, तो आ स्वर जो है ओ और अ की मात्रा से मिलकर आ बना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजकों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? आपका 33, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विजातीय स्वर नहीं है, विजातीय स्वर माफ कीजिएगा, सजातीय स्वर नहीं है। सजातीय स्वर कौन नहीं है? तो यहाँ पे है जो है सभी, ठीक है, सजातीय स्वर नहीं है, अ भी नहीं है सजातीय स्वर, दीर्घ ऊ भी नहीं है, ह्रस्व ई भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्णों के समूह को कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करो, ठीक है, और जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही वीडियोज़ के साथ हम रोज़ आते रहेंगे आपके लिए, एक से एक सीरीज रोज़ एक चैप्टर का लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है वर्ण। क्या कहा जाता है? वर्ण, ठीक है, इसी को स्वर वर्ण भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, स्वर वर्ण बोला जाता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।